देखो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा इंडियन पपेट्री को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि भारत में इंडियन पपेट्री कितने फॉर्म्स के हो सकते हैं। इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें देखेंगे कि किस तरह पपेट्री का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। यदि मैं तुम लोग को पपेट्री कहूँ तो सिंपल सी बात है, जो तुम लोग देखते हो राजस्थान का जो वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस कठपुतली डांस, इसमें आर्टिस्ट एक मूर्ति को जान देते हैं अपने हाथ के कला के द्वारा कि कैसे हैंड पोस्चर करना, हैंड का मूवमेंट करना है। हैंड के मूवमेंट के वजह से कठपुतली में जान आता है, समझे? तो वही चीज़ हम लोग जानेंगे आज क्लास में। शैडो पपेट शो भी होता है जहाँ पे शैडो से, परछाई से परफॉर्म किया जाता है। एवरीथिंग विल सी इन दिस मॉड्यूल। देखो, इंडियन पपेट्री इंट्रोडक्शन। पपेट्री इज़ वन ऑफ द एंशियंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बहुत पहले से ही लोग सब अपने एज अ एंटरटेनमेंट इसको यूज़ कर रहे हैं। द सजेस्टिव एलिमेंट ऑफ अ पपेट बींग कंट्रोल बाई अ मास्टर मेक्स इट इज़ अ कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस, वाइल द लो कॉस्ट ऑफ एनिमेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ परफॉर्मेंस मेक इट पॉपुलर अमंग फ्रीलांस आर्टिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि इसमें पपेट को किस तरह कंट्रोल किया जाता है मास्टर्स के द्वारा। ये भी एक गजब का एक्सपीरियंस है। और साथ साथ ये हमको समझना होगा कि बहुत ही लो कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। बस एक तार लगा दिए, थोड़ा हल्का हल्का रॉड से बना दिए वापस, यानी कि बहुत कम दाम में, बहुत सस्ते दाम में एक आर्टिस्ट अपना वैल्यू दिखा पाता है। ये है पपेट्री, समझे? द फॉर्म गिव्स अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू द आर्टिस्ट इन द फॉर्म डिजाइन कलर एंड मूवमेंट्स एंड मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट इग्नियस इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। बोला जो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, यानी कि इतना हम फ्रीडम दे देते हैं आर्टिस्ट को इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन। आप किसी तरह का भी डिजाइन कर सकते हो, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो और मूवमेंट भी तरह तरह का मूवमेंट कर सकते हो। अलग अलग पॉपेट्री का देखना, अलग अलग मूवमेंट होता है। डिपेंड करता है कि वो ज्वाइंट है या फिर सिंगल है। यदि ज्वाइंट है तो उसका तौर तरीका अलग होगा, यदि सिंगल है तो तरीका अलग होगा। जो सिंगल है, एट अ वन है, एक है, तो उसका जो मूवमेंट होगा और ख़तरनाक होगा वो, क्योंकि उसको कंट्रोल करना पड़ता है अच्छे से, जो समझोगे आज क्लास में। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दिया गया है आर्टिस्ट को, चाहे वो फॉर्म में कैसा दिखेगा, वो पॉपेट छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, डिज़ाइन किस तरह का होगा, मेल होगी, फीमेल होगी, क्या कॉस्ट्यूम होगा, कैसा कलर होगा, कलर सिम्बोलाइज समथिंग, कलर भी सिम्बोलाइज करता है किसी न किसी चीज़ को, और मूवमेंट्स किस तरह का मूवमेंट होगा, चाहे ज्वाइंट हो चाहे सिंगल हो। इसके वजह से क्या होता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है मैनकाइंड का, यही कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पपेट शो, करेक्ट? इंडियन ऑरिजिन्स, भारत में किस तरह, भारत का जो विरासत रहा है, हिस्ट्री रहा है, उसमें किस तरह लिंक है इंडियन पपेट्री। पपेट्री हैज़ लॉन्ग बीन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया फॉर बोथ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पसेस। इसमें कहा जा रहा है कि जो पपेट्री है, एक लंबा समय तक हमारे भारत में एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ होते आ रहा है, एज वेल एज एंटरटेनमेंट के लिए भी ये यूज़ होते आ रहा है। नंबर वन, यदि मैं बात करूँ तुम लोग से, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ था, वहाँ पे भी हमें पता चलता है कि यस, देयर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ पपेट्री एज अ आर्ट फॉर्म। वहाँ पे भी लोग एंटरटेनमेंट के तौर पे पपेट्री का यूज़ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि यस, इंडिया हैज़ वेरी वेरी रिच ट्रेडिशन ऑफ पपेट्री, यानी कि पपेट्री हमारा तब से चल रहा है। सम रेफरेंस ऑफ मैन राइट्स थिएटर हैव बीन फाउंड इन द पीरियड अराउंड 500 BC। हाउएवर, द ओल्डेस्ट रिटन रेफरेंस टू द पपेट्री इज फाउंड इन द तमिल क्लासिकल सिलावैदिकरम रिटन अराउंड 1st and 2nd century BC। ये बोला कि यदि मैं भारत का बात करूं तो कुछ कुछ रेफरेंस हमारा 500 बीसी में पाया जाता है। yes. यानी कि वही मौर्य का उदय होने का समय है ये सब, ठीक है? उससे पहले भी, यानी कि कह सकते हैं कि लेटर वैदिक का अंतिम फेज है, जहां महाजनपदा सब बड़े बड़े हो गए थे। yes. उस समय भी रेफरेंस है कि कैसे पपेट्री सिस्टम भारत में आया था। मैं यदि मैं क्लियर इंडिकेशन के तौर पर बोलूँ कि जहाँ पर पूरा क्लियर तरीके से दिया गया है, तो वो तमिलनाडु का जो तुम्हारा वहाँ का जो टेक्स्ट है, उसमें अच्छी तरीके से बताया गया कि पपेट्री होता क्या है।
जैसे हमने बात किया डांस के बारे में, तो डांस के बारे में भी हमने जाना कि क्या क्या रेफरेंस है इसका. अपार्ट फ्रॉम द आर्ट फॉर्म, पपेट्री हैज़ बीन अ फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन कल्चर. देखो आर्ट फॉर्म तो है ही, मगर ये एक फिलोसॉफिकल भी वैल्यू ऐड करता है. आत्मा परमात्मा है ना, अब वो सब चीज़ भी दिखाने के लिए हम पपेट्री का यूज़ करते हैं. इन द भागवत गॉड हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ पपेटर. उसमें बोला है ना, उसमें बोला था भगवान क्या है, यानी कि जो कंट्रोल करता है. हम लोग कठपुतली है, बोलते हैं ना खुदा चलाते हैं और हम लोग कठपुतली है और उसी हिसाब से हम ड्रामा करते हैं, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है ना. तो बिल्कुल भागवत में भी गॉड को पपेटियर की तरह कंपेयर किया गया है, कि जो चलाता है हम लोग को कठपुतली की तरह. कंट्रोलिंग द यूनिवर्स विथ थ्री स्ट्रिंग्स, सतगुना राजा और तामा, ये तीन गुण से भगवान जो पपेटियर वो कंट्रोल किए हैं यूनिवर्स को. सिमिलरली इन द इंडियन थिएटर द नैरेटर वॉज कॉल्ड सूत्रधार और द होल्डर ऑफ स्ट्रिंग. जैसे हम जानते हैं कि इंडियन थिएटर में भी जो तुम्हारा एंकर है उसको सूत्रधार कहा जाता है, वही सूत्रधार है, वही पूरी तरीके से सब कैरेक्टर को बाइंड करता है. तो ऑन द सिमिलर वे जो पपेटियर है उसका भी काम यही है कि वो अपने हाथ के कला से वो पपेट को चलाता है, कंपेयर कर रहा है, सिमिली वहाँ पे दिखाया गया. यदि मैं और बात करूँ तो अ लार्ज वेराइटी ऑफ पपेट्री ट्रेडिशन हैव डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट्स अक्रॉस इंडिया. अलग अलग जगह पे है, अलग अलग अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है. जैसे हम राजस्थान का बात करेंगे, मैंने बिगनी में बात किया, कठपुतली मिलता है हमें और डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू आसाम, आसाम का अलग चीज़ होगा उसमें. स्टोरीज एडाप्टेड फ्रॉम मैथोलॉजी फोकलोर एंड लोकल लेजेंड्स वर एडाप्टेड इन दिस पपेट्री फॉर्म्स. यदि सब्जेक्ट मैटर का मैं बात करूँ, क्योंकि हर कला में हर आर्ट फॉर्म में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर होगा ही, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस फॉर्म हो, है ना, चाहे म्यूजिक हो, हर एक होता है. इसमें भी मैथोलॉजी है, वही मैथोलॉजी मतलब वही भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ है हमारे पास, पुराना पुराण सब मैथोलॉजी, या फिर लोकल लेजेंड्स के बारे में हो गया, या फिर वहाँ का, या फिर लोकल एलिमेंट्स हो गया, ये सब पपेट्री फॉर्म में देखने को मिलता है. पॉपेट्री हैज़ इम्बाइब्ड एलिमेंट. देखो पॉपेट्री में और भी बहुत सारी चीज़ है, पेंटिंग्स है, क्योंकि हम जो कस्ट्यूम्स पहनाएंगे वो पेंट करके पहना रहे हैं, तो पेंटिंग भी इन्वॉल्व है, स्कल्पचर भी है, मूर्ति बनाने का जो कला है स्कल्पचर वो भी इन्वॉल्व है, म्यूजिक भी इन्वॉल्व है बताएंगे, क्योंकि जब कठपुतली डांस होता है तो पीछे अकम्पनीड बाई म्यूजिक, म्यूजिक दे रहा होता है. डांस है जी, क्यों, क्योंकि हम बताएंगे कुछ देर में कि कठपुतली जिस हिसाब से डांस करता है, एक तुम्हारा पपेट्री फॉर्म ऐसा भी आता है जहाँ पे जो पपेटियर को डांस करना पड़ता है, और पपेटियर के हिसाब से तुम्हारा जो पपेट है वो डांस करता है. और इसलिए जैसे पपेट डांस कर रहा है तो उसका लेग का कनेक्शन उसके लेग के साथ ही है, हैंड कनेक्शन हैंड के साथ ही है, यानी कि जैसे वो नाच रहा है पर्दे के पीछे हूबहू वहीं पर नाच रहा है वो पपेट भी. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डांस भी इन्वॉल्व है और ड्रामा भी इन्वॉल्व है, और तब जाके यहाँ पे एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, गजब का दिखता है, वाओ ये तो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग को पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे देखो, मगर क्या है, हम जानते हैं कि चूंकि ये एंटरटेनमेंट के रूप में बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं हमारे पास, हाँ यूट्यूब चैनल है अभी तो, और उसके बाद हम देखते हैं घर में भी बहुत सारे चैनल्स है, तो लोग सीरियल बैठ के देख रहे हैं. यही रीज़न है कि जैसे रामलीला रासलीला जिस हिसाब से डिक्लाइन हुआ है, उस हिसाब से पपेट्री फॉर्म भी आप कहाँ देखना चाहता है लोग सब. हाँ पहले मेला में पपेट्री शो लगता ही लगता था एक समय, है ना, अब कहाँ देखते हैं, मेला में भी तो नहीं खाली बस वो पिंग वाला खिलवा देता है, बस बात खत्म कर दिया. तो यही है कि बताया गया यहाँ पे, हाउएवर द लैक ऑफ अ डिवोटेड ऑडियंस, अब पसंद नहीं है लोगों को. एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी हैज लेड टू स्टेडी डिक्लाइन ऑफ दिस आर्ट फॉर्म इन द मॉडर्न टाइम्स. इसलिए लगातार डिक्लाइन होते चला गया है, इसलिए ज़रूरी है कि इसको फिर से रिवाइव करना, और ज़रूरी है कि जो अच्छे लोग हैं, प्रोपोनेंट लोग हैं, जो इस कला को बहुत बेहद पसंद करते हैं, उसको फोर फ्रंट में आना चाहिए और लीड करना चाहिए कि यस ये हमारा इंडियन ओरिजिन है, ये हमारा गौरव है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, है ना, इसका सोसाइटी का इथोस से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसको एक बार फिर से रिवाइव करना चाहिए हमें, समझे. तो देखो यहाँ पे कैसे ये पपेट्री शो दिखा रहे हैं, देख सकते हो इसमें. अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में इंडियन ओरिजिन्स किस किस टाइप का पपेट्स प्रेजेंट है, कैसे.
तो पपेट्री इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज, चार भाग में हम तोड़ सकते हैं पपेट्री को, और सबके बारे में एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। स्ट्रिंग पपेट्स नंबर वन, जहाँ पे हम स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल उसको कह सकते हो कि जो स्प्रिंग से जो पर्दा जो लगता है वो भी स्प्रिंग ही हो गया है ना, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है ना, कि हम ओरिजिनल स्टेट ऐसे करके रखें तो ओरिजिनल स्टेट में तुरंत आ जाए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तार जो जो फ्लेक्सिबल तार है, समझे ना, वही फ्लेक्सिबिलिटी में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब डोरी से करेंगे तो नहीं होगा ना, क्योंकि तार से ही होता है। एग्जांपल देखो, कठपुतली, खुंदई, गोमायट्टा और बोमालट्टम, ठीक है, ये सभी चार है तुम्हारा जो स्ट्रिंग पपेट्स है। जैसे इसके बारे में शैडो पपेट्स के बारे में मैंने बताया है एट द बिगनिंग। थोलू बोमालट्टा, रावण छाई सबसे इम्पोर्टेंट है, रावण छाई है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। तोगलू गोम्बायट्टा, ये जो रावण का छाया है स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सिविल सर्विस में पूछा गया है और बहुत यूनिक है, जब पढ़ेंगे समझेंगे बहुत यूनिक है रावण छाया। उसका ग्लोब पपेट्स, ग्लोब्स हाथ से जैसे अभी देखते हो ना अमेरिकन गॉड टैलेंट सब में हाथ से ऐसे करता है कि नहीं करता है, बुलवाता है कि नहीं बुलवाता है, वो ग्लोब पपेट्स सब है, ठीक है ना। तो इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया है पावा कोथू। अब एक रॉड पपेट्स, रॉड मतलब क्या, रॉड से यूज़ करके, अब इसमें ही थ्री जॉइंट्स या वन गो वाला होता है, बिल्कुल वो तुम्हारा रॉड पपेट्स। यामापुरी और पुतुल नाच, पुतुल नाच देखते हो बिहार में भी बहुत फेमस है, तो बंगाल रीजन का है मगर बिहार में भी बहुत फेमस है पुतुल डांस, देखे हैं हम लोग का भी कई बार, देख चुके हैं, देखे हो नहीं, देखे हो पुतुल डांस है बहुत फेमस है, बहुत फेमस है जी। देख लो यहाँ पे किस तरह स्ट्रिंग्स लगा हुआ है, देख सकते हो धागा हुआ लगा हुआ है, क्योंकि पपेट जो पपेटियर होता है वो ऊपर बैठा रहता है, उसको कोई देखता नहीं है, और उसके जैसे बहुत सारा उसमें है, देखना देखो जैसे इसमें देखो, अब देखते हैं स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में जानते हैं। स्ट्रिंग पपेट्स और मॉडर्नाइट्स हैव अ प्रोमिनेंट प्रेजेंस इन द इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस। क्या क्या फीचर्स है स्ट्रिंग पपेट्स का, द पपेट्स आर जनरली 8 to 9 inch मिनिएचर फिगर्स, जो कि कार्ड से बना होता है, चिसल आउट फ्रॉम वुड, कार्ड से कम 8 to 9 inch का मिनिएचर छोटा सा होता है, डॉल टाइप का, समझे। और इसमें चेहरे में थोड़ा सा आगे देख लो, पिक्चर देख लो इनका, समझ में आ जाएगा, थोड़ा आगे करो, कितना ब्यूटीफुल, पूरा ह्यूमन रिफ्लेक्शन है इसका, जो चेहरा देखते हो इतना जो ग्लो कर रहा है ना, ग्लो करने का रीज़न क्या है कि हम ऑयल कलर लगवाते हैं फेस के लिए, ठीक है, इस यूज टू पेंट द हुड विथ स्किन कलर एंड एड अदर फेशियल फीचर्स, जैसे आई जोड़ते हैं, लिप्स जोड़ते हैं, नोज जोड़ते हैं, ताकि बिल्कुल ह्यूमन को वो क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके ह्यूमन बींग को, समझे। स्मॉल वुडन पीसेस आर क्रिएटेड विद द बॉडी टू फॉर्म द लिम्स, और जैसे कि हम जानते हैं कि जब दुर्गा पूजा में भी जाते हैं तो देखने के लिए छोटे छोटे लिम्स जोड़े जाते हैं ना, तो इसमें छोटे छोटे जो काट का जो टुकड़ा है उसको यूज़ करके हाथ पैर बनाया जाता है। द बॉडी इज देन कवर्ड, तो बॉडी को फिर से हाथ बना लिए ऐसे करके, फिर कवर किया जाता है, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम दुर्गा पूजा का मंदिर मूर्ति लेने जाते हैं तो हम देखते हैं ये सभी चीज़ कि पहले आप अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद आप असेंबल कर देते हैं एक साथ, है कि नहीं। तो वही कहा, द बॉडी इज देन कवर्ड विद द कलरफुल मिनिएचर, सबको कवर कर दिए मतलब ज्वाइन कर दिए, उसके कलरफुल मिनिएचर से कवर करते हैं, ड्रेसअप करते हैं और स्टिचेस करते हैं, ताकि लगे कि अंदर क्या है, मतलब बॉडी लगे कि यस ह्यूमन बींग को रिफ्लेक्ट करना। मिनिएचर ज्वेलरीज भी लगा देते हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगा देते हैं उसमें, ताकि रियलिस्टिक फील हो कि यस हाँ ह्यूमन बींग ही है ये। स्ट्रिंग्स आर अटैच टू स्मॉल होल्स, छोटे छोटे जो ज्वाइंट एरिया है, हैंड से रिलेटेड हो गया, हेड से रिलेटेड हो गया, बैक से रिलेटेड हो गया, ताकि पपेटर उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके, तो ये तरीका है, समझे। तो देख लो यहाँ पे, देखो इसमें सब जितना ही बताएं सब चीज़ दिखाया गया, देखो कैसे ज्वेलरी और एसेसरीज लगाया गया है, माला सब लगाया गया है उसमें, देखो तुम्हारा स्ट्रिंग्स भी लगाया गया, 5-6 स्ट्रिंग्स लगाया गया है, ठीक है। स्ट्रिंग्स कैन बी मैनी टाइप्स, अब वो डिपेंड करता है पपेटर को कैसा पसंद है, हम यदि अपने हिसाब से व्याख्या करें तो हमको स्प्रिंग का मतलब वही है, मैं पपेटियर अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो देखो ये सभी जॉइंट में, हैंड में, जहाँ से जॉइंट हो सकते हैं, जहाँ से मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, हमारे बॉडी में मूवमेंट कहाँ से क्रिएट होता है,
हैंड से लिम्ब से होता है, है ना, एब्डोमेन से होता है, पेट से होता है, तो हर एक जगह से कनेक्ट किया जाता है, देख रहे हो ना। और जो फेस दो देख रहे हो जो इतना कलरफुल दिख रहा है, उसमें हम ऑयल कलर का लगाते हैं ताकि इतना साफ फीचर दिखे ह्यूमन बींग की तरह। अब यहाँ से हम समझते हैं एक एक एग्जाम्पल। कठपुतली बेस्ट एग्जाम्पल है एक तुम्हारा स्ट्रिंग पपेट्री के लिए। देखो इसमें क्या होता है, चेहरा पहले चेहरा देख लो, नीचे ओवल फेसेस, गोल चेहरा है, लार्ज आईज है, देखो आंख बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, आर्च आईब्रोज है, आईब्रोज काफ़ी फैला हुआ है, एंड लार्ज लिप्स, देखो लिप्स बड़ा लिप्स है। ये डिस्टिंक्टिव यानी कि कुछ स्पेशल फीचर्स है कठपुतली डांस कठपुतली पपेट के लिए। द ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट्स ऑफ द राजस्थान आर ऑल्सो नोन एज कठपुतली। अब कठपुतली यही ये ट्रेडिशनल कठपुतली बिल्कुल राजस्थान का है। कठपुतली का मतलब काट, काट मतलब होता हुड, पुतली मतलब होता डॉल, यानी काट का बना हुआ डॉल, सिंपल समझे। और देखो ट्रेडिशनली क्या है, अब चूंकि राजस्थान का है तो इसलिए राजस्थानी ड्रेस में इसको ड्रेसअप किया जाता है, पहनाया जाता है। इसलिए जो भी कपड़े हैं आगे देख सकते हो कपड़ा, ये बिल्कुल राजस्थान का ही कल्चर है। और उसके बाद देखो द शो इज अकम्पनीड बाय अ ड्रामेटिक फोक म्यूजिक, जो वहाँ का म्यूजिक होगा, जो वहाँ का एलिमेंट होगा म्यूजिक में, वही सब चीज़ होगा वहाँ पे, बज रहा होगा, उसी हिसाब से पपेट परफॉर्म करने वाले हैं। यूनिक फीचर ऑफ द पपेट इज द एब्सेंस ऑफ लेग्स। देखो इसमें लेग्स नहीं होता, क्यों, क्योंकि गॉन्स इतने बड़े होते हैं कि लेग्स की जरूरत ही नहीं है। देखो नीचे गॉन्स बड़ा है कि नहीं है, जैसे लड़की का देखो गॉन्स इतना बड़ा है कि उसको लेग देने की क्या जरूरत, जब कोई देखेगा ही नहीं तो लेग देने की क्या जरूरत है ना, और ऊपर ही से कवर हो जाएगा वो अच्छे से। और नीचे यदि धरती पे स्पर्श करता है, लैंड पे स्पर्श करता है, तो उसका जो भी गाउन से कपड़ा है वो स्पर्श करेगा, तो लेग की कोई आवश्यकता नहीं है, बात समझे ना। तो यूनिक फीचर इस पपेट का है एब्सेंस ऑफ लेग्स। द स्ट्रिंग्स आर अटैच टू द फिंगर ऑफ द पपेट, सही बात है, हाथ पे अटैच रहता है और इस तरह हाथ अपना चलाते हैं, उन लोग को स्पेशल ट्रेनिंग रहता है, समझ गए ना। देखो कठपुतली दिखा तुमको, बहुत सारा है कठपुतली, देखो इसमें देखो लेग्स नहीं है ना, क्योंकि कपड़ा जो है सिलेंड्रिकल इस टाइप का है, ऐसे करके गाउन टाइप का, देख लो दूसरा भी है, देखो कहाँ लेग्स तुमको दिखा, नहीं दिखा ना, बिल्कुल ये स्पेशल फीचर है कठपुतली का। अब बात करेंगे खुंदी का, खुंदाई, खुंदाई क्या है तुम्हारा, द कस्ट्यूम ऑफ खुंदाई रिजेंबल्स दोस वन बाय एक्टर ऑफ जतरा ट्रेडिशन। देखो अब यहीं से सिविल सर्विस एक्टिवेट होगा ना, कि कैसे एक आर्ट फॉर्म दूसरे आर्ट फॉर्म से इंटरलिंक्ड है। बोला कि जतरा फॉर्म में जिस हिसाब से कस्ट्यूम पहन के लोग जाते थे, भक्ति करते थे, बिल्कुल उसी का रिफ्लेक्शन है यह, उसी को दिखाया, उसी का प्रतिबिंब है यह। तो जो हाँ बिल्कुल, जो कस्ट्यूम पहले देख लो, कस्ट्यूम देख लो, कपड़ा देख लो, दिख गया ना। तो कस्ट्यूम ऑफ खुंदाई रिजेंबल दोस वन बाय एक्टर्स ऑफ जतरा ट्रेडिशनल थिएटर। और ये कहाँ का है, उड़ीसा का है, तो मैच द कलम में आ सकता है। दे आर मेड ऑफ लाइट हुड, एकदम हल्का वाला काट से बनता है, और ड्रेस्ड लॉन्ग स्कर्ट्स, स्कर्ट्स देखो बहुत लंबा रहता है, देख सकते हो लंबा स्कर्ट्स रहेगा, यानी कि नीचे पैंट वाला जो हिस्सा है काफ़ी लंबा रहता है, देख लो है कि नहीं। ये सब डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, आपको याद करने होंगे कि एक पपेट से दूसरा पपेट कैसे डिफर करता है। या फिर ओवरऑल पूछ लेगा तो ये सभी चीज़ बताओ कि ओवरऑल हम ये देखते हैं कि कभी लेग्स रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी लॉन्ग स्कर्ट्स होता है, कभी ऑयल आता है, ऑयल कलर हम यूज़ करते हैं फेस में एक्सप्रेशन देने के लिए, तो आप ओवरऑल भी लिख सकते हो ना, अलग अलग सबका फीचर्स अलग अलग पता है। तो द पपेट्स हैव मोर ज्वाइंट, देखो इसमें ज़्यादा ज्वाइंट्स होते हैं ताकि पपेटियर को ज़्यादा स्पेस मिल सके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि जितना ज्वाइंट्स होगा उतना ही हर चीज़ पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। द स्ट्रिंग्स आर अटैच टू द ट्रायंगुलर प्रॉप, ट्रायंगुलर प्रॉप से ये जुड़ा रहता है। देर इज अ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑफ ओडिसी डांस, सही बात है, चूँकि ओडिशा का है तो वहाँ का ओडिसी जो डांस फॉर्म है जो हम जानते हैं उससे रिलेटेड होगा, जैसे अभी फोक का देखे थे हम लोग, राजस्थान का म्यूजिक से रिलेटेड है, तो ओडिशा का म्यूजिक से भी रिलेटेड होगा ये। अब देखो यहाँ क्या, दैट स्ट्रिंग्स आर अटैच टू अ ट्रायंगुलर प्रॉप, यानी कि ऊपर में एक प्रॉप होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उससे वो अटैच होता है, एंड इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा होता है। जैसे कठपुतली में क्या है, फिंगर से कर रहा होता है, इसमें प्रॉप होता है, प्रॉप मतलब एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का, एक कुछ भी डिवाइस टाइप का, उस डिवाइस को फिर देन आर्टिस्ट मैनिपुलेट करते हैं। अब देखो कोमबायट्टा, ये क्या है तुम्हारा, नीचे का कर्नाटका का है तुम्हारा कोमबायट्टा, देखो क्या है, ये ट्रेडिशनल पपेट्स है कर्नाटका का,
दे आर द स्टाइल एंड डिज़ाइन ऑन द वेरियस कैरेक्टर ऑफ द यक्षगाना थिएटर. बताए थे ना यक्षगाना थिएटर, जिसमें पिछले क्लास में ही हम बात किए थे. यक्षगाना का जो थिएटर है बिल्कुल उसी का कैरेक्टर तुमको मिलेगा इसमें. तो देख लो इसमें ये जितना ट्रेडिशन से रिलेटेड है, ये थिएटर से रिलेटेड है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ये ड्रामा से रिलेटेड है. तो देखो हर आर्ट फॉर्म एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, यही पूछेगा सिविल सर्विस जहाँ पे दिमाग लगता है. मेंस में मान लो कि पूछना चाहता है तो आपको क्लोज लिंक करके पूछेगा ना एक आर्ट को दूसरे आर्ट फॉर्म से. दे आर हाईली स्टिलाइज एंड हैव द ज्वाइंट्स एट द लेग्स. लेग्स में है, शोल्डर्स में है, एल्बोस में, हिप्स में है, निप्स में, ये हर जगह ज्वाइंट्स है ताकि यहाँ से स्ट्रिंग यूज किया जा सके. दिस पॉपेट्स आर मैनिपुलेटेड बाय, बताओ वही 5 to 7 स्ट्रिंग्स रहते हैं टाइड टू अ प्रॉप, एक इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है एंड देन उसको पॉपेटियर क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा. अ यूनिक फीचर ऑफ दिस पॉपेट्री इज दैट मोर देन वन पॉपेटियर. देखो सबसे यूनिक फीचर क्या है कि एक से अधिक पॉपेटियर होता है. इसका मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, ये इतना आसान नहीं होगा. और इतना आसान नहीं है कि कठपुतली डांस करवाना, और स्पेशल ट्रेनिंग होता है उसका, समझे ना, स्पेशल ट्रेनिंग होता है. हम लोग जैसा आदमी नहीं कर सकते उसको, इसके लिए भी अभ्यास किया जाता है लंबा लंबा समय, जनरेशन टू जनरेशन ये आइडियाज पास होता है. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे यूनिक फीचर क्या है कर्नाटक का, ये जो भी पॉपेटियर है, पॉपेट है गोमायट्टा, इसमें एक से अधिक तुम्हारा पॉपेटियर होता है. देखो सबसे यूनिक फीचर है ये, यूनिक फीचर तो बिल्कुल याद कर लेना है. तो देखो यहाँ पे देख लो तुम, ये कैसे एक डिवाइस से, देखो प्रॉप से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है और उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है. हम देखे ना, और उससे अधिक है. देखो अब तीन है तो तीन का तीन अलग आर्टिस्ट होंगे. एक आर्टिस्ट का एक हाथ इन्वॉल्व है, दूसरे आर्टिस्ट का दूसरा हाथ इन्वॉल्व है, और तीनों का पास सिंक्रोनाइजेशन होगा. दो तीन जितने भी आर्टिस्ट है उसी हिसाब से कर रहे होंगे. एक को यदि हीरो बनवाना है तो हीरो की तरह ऊपर ट्रैक किया जाएगा, एक को विलेन करना है तो उसका मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट डिफरेंट होगा, म्यूजिक डिफरेंट होगा उस समय. बोमालट्टम. अब बोमालट्टम क्या है, ये पॉपेट्री है तुम्हारा तमिलनाडु का रीजन का, तमिलनाडु का. इसमें देखो रॉड और स्ट्रिंग दोनों ही यूज़ किए जाते हैं, रॉड भी यूज़ है और स्ट्रिंग भी यूज़ है. अब देख लो आगे, पहले स्ट्रिंग तो एज यूजुअल, स्ट्रिंग किस लिए यूज़ होता है जानते हो, वही मोमेंट के लिए. रॉड बॉडी में फॉर्मेशंस के लिए फॉर्म होता है. देखो द स्ट्रिंग्स आर अटैच टू द आयरन रिंग विच इज़ द वन बाय द, अब बोला कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो एज अ प्रॉप, जो बोल रहे ना प्रॉप, तो प्रॉप यहाँ पे क्या है कि आयरन रिंग है उससे अटैच है, और वो पॉपेटियर पहना रहता है. आयरन रिंग है जी, आयरन का बना हुआ रिंग है, ये जैसे रिंग देख रहे हो ना, बना हुआ रिंग है, और वो तुम्हारा पॉपेटियर का है, पॉपेटियर पहना हुआ है, उसके साथ अटैच होगा स्ट्रिंग. ऑन हिज हेड, अब कहाँ होगा, ऑन हिज हेड हो सकता है, या और सम जस्ट लाइक होल्ड द स्ट्रिंग्स ऑन द हैंड, ये हाथ में भी हो सकता है, ये हेड में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि पॉपेटियर को किस तरह का पसंद है, डिपेंड ऑन द आर्ट ऑफ पॉपेटियर. तो बोमालट्टम पॉपेट्स आर द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट मॉडर्नाइट्स, बोला कि सबसे भारी होता है जी. और इसका यदि मैं बात करूँ तो 4.5 feet हाइट हो सकता है, 10 kg वेट हो सकता है. तो चूँकि सर पे लगाने का मतलब क्या है कि सर का बल बहुत ज़्यादा होता है, हम देखते हैं कोई भी सामान हम सर पे रख लेते हैं, और इतना लंबा समय तक उसको प्रैक्टिस करवाना है, तो जो आर्टिस्ट कभी हैंड में भी रख सकते हैं या फिर सर से भी लगा, सर में भी वो अपना कर सकते हैं, सर से करके अपना मूवमेंट दे रहे हैं बढ़िया से, समझे ना. तो इस तरह यानी कि काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है हाइट में भी और काफ़ी बड़ा है वेट में भी. तो बोमालट्टम थिएटर हैज़ अ 4 distinct स्टेजेस, इसका अलग अलग स्टेजेस भी होता है, फेज होता है, जैसे विनायक पूजा, कोमाली, अमनपट्टम एंड योर पुसन कनाटम, ये सब तुम्हारा इसका वेरिएशंस है, स्टेजेस इसमें देख सकते हो. अब एक हमने ख़त्म कर दिया, यानी कि एक हमने देखा कि स्ट्रिंग पपेट्स. अब जानेंगे शैडो पपेट, जिसमें रावण छाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें शैडो के द्वारा, अब शैडो का मतलब क्या कि पर्दे के उस पार भी, पर्दे के इस पार भी, यानी कि दो जगह आर्टिस्ट काम कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पे इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन इन शैडो पपेट्री, जो कि अभी तक स्टिल प्रेजेंट है. एग्जाम्पल देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं. Shadow puppets are the flat figures cut out of a leather and which has been treated to make it translucent. Translucent मतलब क्या है कि एक तरफ से लाइट पास हो सके दूसरे तरफ से नहीं. जैसे एग्जाम्पल देखो,
पेपर को केरोसिन ऑयल में डाल दो एंड उसके बाद लाइट पास करो, तो पास नहीं होगा, मगर एक तरफ ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पूरा पास नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पूरा लाइट पास होना, ट्रांसल्यूशन मतलब होता है एक तरफ लाइट दिखता है तुमको और शेडो बन जाता है दूसरी तरफ। हाँ, धुंधला धुंधला। जैसे हम केरोसिन तेल में डालेंगे या हम वैसलीन लगा देंगे, सिंपल हम एक पेपर में वैसलीन लगा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रांसल्यूशन समझे। एक तरफा ही आपको लाइट दिखेगा, दूसरी तरफ पास नहीं होगा। यदि दूसरी तरफ पास नहीं होगा तो उधर शेडो फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है। जैसे एक सिंपल देखो ना, ऐसा पेपर आता है कि नहीं, पेपर आता है जो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, सफ़ेद वाला हो। बचपन में यूज़ करते थे ना उसके लिए, ड्राइंग्स ड्राइंग्स के लिए करते थे ना, ड्राइंग्स रख के ऐसे आउटलाइन बना रहे हो। आउटलाइन रहे हाँ, उसी से जो तेल है हाँ वो नीचे जाएगा, जैसा आउटलाइन है वो सब निकल रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्केचेस के लिए ट्रांसलूसेंट समझे। तो ये शैडो पॉपेट्स भी बिल्कुल फ्लैट फिगर्स होते हैं जो लेदर से बना रहता है, ठीक है, और ट्रांसल्यूसेंट वाला इफेक्ट उसमें दिखता है। द फिगर्स आर पेंटेड आइडेंटिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेदर। जो फिगर्स पेंट किया आता है लेदर का, दोनों ही हिस्सा किया जाता है। अब ये क्या है तो थोड़ी देर में उसका बताएंगे, द फिगर दिखा के। द पपेट्स आर अ प्लेस्ड ऑन अ वाइट स्क्रीन, एक वाइट स्क्रीन पर प्लेस किया जाता है, ठीक है, और लाइट पीछे से आता है। लाइट पीछे से आएगा, रिफ्लेक्शन होगा, इससे क्या होता है स्क्रीन पर तुमको शैडो दिख जाएगा और वही तुम्हारा शैडो इस पपेट को डिफरेंट बनाता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, आगे जाओ देखो, देखो तुमको ये शैडो दिख रहा है, देखिए उस मेरा मान लीजिए चीज़ देखिए, ये शैडो पपेट्री है, ये शैडो दिख रहा है, समझ गए ना, क्योंकि ट्रांसल्यूशन वाला स्क्रीन है। वही कह रहा है पपेट्स आर प्लेस्ड ऑन अ वाइट स्क्रीन, वाइट स्क्रीन पर प्लेस कर दिया, पीछे से लाइट आ रहा है, तो क्या हुआ स्क्रीन पे जो आगे का जो फ्रंट स्क्रीन होगा उस पे क्या दिखेगा, शैडो दिखेगा, इस तरह का दिखेगा जो आप देख रहे हैं नीचे, समझ गए ना बात को। द फिगर्स आर मैनिपुलेटेड सो दैट अ सिल्हुएट्स क्रिएटेड ऑन द ब्लैक स्क्रीन क्रिएट टेलिंग। अब ऐसे बैक स्टेज में इस तरह पीछे से इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको लगे कि हाँ एक इमेज फॉर्म है ये, देखो सच में इमेज लग रहा है। और इस तरह का जो शैडो पपेट्स है, इसका पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तो हम इसको ब्रीफ कर दें कि इसमें हमने क्या जाना, इसमें हम यही जाने कि ट्रांसल्यूशन वाला स्क्रीन को यूज़ किया जाता है, ये लेदर से बना रहता है, ठीक है। फिगर्स आर पेंटेड आइडेंटिकली, यानी कि फिगर्स दोनों ही तरफ ही पेंट किया जाता है, लेदर का इस साइड भी और उस साइड भी। एक साइड को हम बैक स्क्रीन रखते हैं, वहाँ से लाइट पास करते हैं, लाइट पास करेंगे जो फ्रंट का स्क्रीन होगा तो वहाँ पे हमको इस तरह का कार्ड दिखेगा जो हम देख रहे थे, ठीक है। और इस तरह का जो प्रैक्टिसेस है ये बहुत सारे स्टेट्स में प्रेवलेंट है, तो देखते हैं कि किस किस टाइप का हो सकता है अलग अलग स्टेट में। तो तोगलू कोमायट्टा, देखो कोमोबेटा अभी देखे थे ना, मत तोगलू आ गया। तोगलू शब्द से, तोगलू मतलब होता है शैडो नीचे के भाषा में, देखो साउथ में तोगलू का मतलब होता है यही, ठीक है। तो देखो, इट इज़ द पॉपुलर शैडो थिएटर ऑफ कर्नाटक। यूनिक फीचर ऑफ द तोगलू गोमायट्टा पॉपेट इज द वेरिएशन ऑफ पॉपेट साइज, साइज अलग अलग होते हैं। अब देखो क्या करें, अमीर आदमी दिखाना है तो बड़ा साइज, गरीब आदमी दिखाना है छोटा साइज, जो इन्फ्लुएंसल दिखाना है तो बड़ा साइज, जो एकदम वीक है तो छोटा साइज। इसका सबसे यूनिक फीचर यही है कि इसमें जो पॉपेट का साइज होता है वो सोशल स्टेटस के हिसाब से छोटा बड़ा होता है। कितना बड़ा गजब बात हो गया ना, यानी किंग्स है, रिलीजियस फिगर्स है तो लार्ज पॉपेट्स होगा जो इन्फ्लुएंशियल है, और कॉमन पीपल है, सर्वेंट है तो छोटा पॉपेट्स में दिखाया जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यानी कि आप पॉपेट के थ्रू एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, तो देख रहे हैं ना आप किस तरह फिगर, देखिए दिखाया गया आपको ये, आप देख सकते हैं किस तरह लाइट को दिया जा रहा है और स्क्रीन पर दिख रहा है, और स्क्रीन पे उस तरफ दिखेगा, ये इधर का है, बैक स्टेज का है ये। हाँ अभी दिखेगा तुमको, रामाना छाई में क्लियर हो जाएगा। देखो, इन द मोस्ट एक्साइटिंग थियोरेटिकल पपेट्री शो एंड इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन द ओडिशा रीजन, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फॉर्म है ये रामाना छाई। ऐसा क्यों, दे आर नॉट कलर्ड, ये कलर नहीं किया था। देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल चाहिए, ये कलरफुल भी नहीं होता है।
हैंस थ्रो ओपेक शेडोज ऑन द स्क्रीन. जब वो कलरफुल नहीं है, कलर नहीं किया गया है उसको, एज इट इज़ रॉ लिया गया, तो जब उसको रखा जाएगा स्क्रीन पे तो पूरी तरीके से क्या होगा, हैंस थ्रो ओपेक शेडोज, जो शेडोज होंगे वो भी पूरा ओपेक होगा. ओपेक मतलब क्या, एकदम काला टाइप का दिखेगा, जहाँ से लाइट पास ही नहीं हो सकता है, इसलिए आकार ऐसा दिखेगा. देखो अब बहुत मुश्किल है जी. देखो द पॉपेट्स आर मेड ऑफ अवर डियर स्किन. ये कहाँ से, डियर के स्किन से बनता है. डिपिक्ट एंड डिपिक्ट बोल्ड ड्रामेटिक पोस्चर. और इसमें बहुत, जैसे रावण अच्छाई, और रावण अच्छाई दिखाने के लिए, रावण को पोर्ट्रे करने के लिए यस आपको बोल्ड तरीके से करना होगा ना, बोल्ड तरीके से आपको विगर फॉर्म में दिखाना होगा. दे डू नॉट हैव एनी ज्वाइंट्स अटैच टू देम. देखो सबसे खास बात यही है, कोई भी ज्वाइंट नहीं है वहाँ पे, कोई भी एक भी ज्वाइंट नहीं है, यानी कि एक भी ज्वाइंट नहीं है और आपको मूवमेंट दिखाना है. सो डिफिकल्ट ना, एक भी ज्वाइंट नहीं है आपको मूवमेंट दिखाना है, इसलिए कहते हैं कि मेकिंग इट अ मोर कॉम्प्लेक्स आर्ट. एक भी ज्वाइंट नहीं है आपको मूवमेंट दिखाना है, आपको हरकत दिखाना है, कैसे राम जी और रावण के बीच में लड़ाई हो रहा है और भी शैडो फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लेक्स आर्ट हो गया. इसके लिए बहुत अच्छा आर्टिस्टिक स्किल चाहिए. हम नहीं देखेंगे, मगर YouTube पे यू विल गेट एवरीथिंग. YouTube पे मैं देख चुका हूँ. लाइट का ही होगा, देखना चाहिए सब चीज को. देर इज यूज ऑफ नॉन ह्यूमन पपेट्स ऑल्सो. देखो इसमें खास बात क्या है कि नॉन ह्यूमन पपेट्स भी है इसमें, जैसे एनिमल्स है, ट्रीज है, ये भी दिखाया जाता है. रावण अच्छाई आर्टिस्ट आर दस एक्सट्रीमली ट्रेंड इन देयर आर्ट. वही तो बोल रहे हैं, ये कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, फिर भी इस लेवल का आप मूवमेंट दिखा पाते हैं. यानी कि आर्टिस्ट किस फॉर्म का होगा, आर्टिस्ट का स्किल कितना अच्छा होगा. और क्रिएटिंग अ लिरिकल एंड सेंसिटिव थिएटिकल नरेशन. जैसे आर्ट फॉर्म दिखाया जा रहा है उस हिसाब से लिरिक्स भी चल रहा है, नरेशन भी चल रहा है कि देखिए राम जी अब आगे बढ़ रहे हैं रावण को मारने के लिए, रावण इस तरह डिफेंड कर रहा है, तो सभी चीज़ नरेशन भी चल रहे हैं और शैडो पोर्ट्रेट भी चला जा रहा है. देख लो यहाँ पे, तो देखो दस अवतार को दिखा दिया गया. देखो चेहरा देखो ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पूरा शैडो पीछे से हो रहा है, आगे हमको दिख रहा है, स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, देख रहे हो ना. अब तुमको ज्वाइंट भी दिख रहा है, वहाँ की कहते ज्वाइंट नहीं है, वो सब आर्टिस्टिक स्किल है. देख रहे हो ना ये शैडो कैसे क्रिएट हुआ. देखो दस हाथ क्रिएट है, दस चेहरा क्रिएट है. और देखो रावण का देखो चेहरा लगता है कि हाँ पक्का ये मतलब दानव है ना. ये देखो तो ये हमने ख़त्म कर दिया तुम्हारा रावण अच्छा. तीसरा देखो थोलू मोलियाट्टा है, ठीक है. अब इसमें देखो ये किस फॉर्म में होता है, देखो फिगर देख लिए ना, अब देखते हैं इसको. देखो थोलू बोमलट्टा, इट इज़ अ शैडो थिएटर ऑफ आंध्र प्रदेश. ये आंध्र प्रदेश का है जी. अब इसमें क्या है कि क्लासिकल बैकग्राउंड म्यूजिक क्लासिकल रहता है इसमें, यानी क्लासिकल म्यूजिक है. आंध्र प्रदेश में हमने देखा है. और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो पूरी तरीके से पुराणास और एपिक से उठाया गया है, यानी कि उसी चीज़ को लेके ये पोर्ट्रे करता है ये पपेट. द पपेट्स आर लार्जर इन साइज एंड कलर ऑन बोथ साइड्स. यानी कि इस साइड भी कलरफुल है, उस साइड भी कलर है, दोनों तरफ. दे हैव जॉइंट है, एब्डोमेन में पेट में जोड़ा गया है, शोल्जर्स में है, एल्बोज में, नीज में, यानी कि जॉइंट है इसमें, अनलाइक योर रावण अच्छाई. देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग तो दोनों साइड, आप इधर से भी देख सकते कलरफुल है, पीछे से भी आप देख रहे तो कलरफुल है, दोनों तरफ देख सकते. फिगर देख लीजिए उसका, हाँ समझे ना. तो ये कलरफुल है, यानी कि इस तरफ भी कलरफुल है, उस तरफ भी कलरफुल है, दोनों तरफ कलरफुल है, समझे. और सेम किया आता है तुम्हारा, ये शैडो पपेट्स ही है, पीछे से ही हरकत चलता है बैक की स्क्रीन और आगे तुमको देखेगा. अब बात करेंगे ग्लोब पपेट्स, यानी जो हाथ से किया था. देखो आगे देखो ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हाथ लगा के अंदर, वो हाथ के मूवमेंट से होता है. ये तो हम देखते हैं कि अभी भी जीवित है, वेस्टर्न ने इसको और अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है. देखते हैं ना कि मिमिक करता है ऐसे करके लेके आता है ना, ग्लोब पपेट्स. तो ग्लोब पपेट्स आर ऑल्सो नोन एज स्लीव हैंड और पाम पपेट्स, ठीक है, पाम पपेट्स भी कहते हैं इसको. द स्मॉल फिगर्स विथ हेड एंड आर्म्स वेयरिंग अ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट एज कस्ट्यूम. देखो कपड़ा इस तरह का पहने, लंबा लंबा कस्ट्यूम्स है, डिपेंड करता है आप किस तरह. इंडिया में देखोगे तो इस तरह कॉस्ट्यूम मिलेगा, बाहर देखोगे तो बहुत अलग मिलेगा तुमको. द पपेट्स आर जनरली मेड ऑफ अ क्लॉथ, या तो कपड़ा से भी बन सकता है या हुड से काट से भी बन सकता है. बट सम वेरिएशन ऑफ पेपर पपेट हैज ऑल्सो बीन सीन. पेपर का भी पपेट यू कैन सी,
पपेट का पेपर का भी पपेट बनता है, बस पेपर का यदि पपेट बने तो और डेलिकेट है, यानी कि आर्टिस्ट और अच्छा होना चाहिए। पेपर तो ऐसे आदमी उसको छोटा कर देगा या फिर उसको बिगाड़ देगा, तो पेपर फॉर्म में भी हो सकता है जी। दिस पपेट्स आर लाइक लिम्प डॉल्स, ये आपको डॉल्स की तरह लगता है, बट इन द हैंड्स ऑफ द एबल पपेटियर, मत जो एकदम आर्टिस्ट है उसके हाथ में जाते ही लगता है कि वाओ मोमेंट जान आ गया इसके अंदर, वो अपने हिसाब से हरकत दे देते हैं। देख लो यहाँ ग्लोब पपेट्स में और भी देख सकते हो, द पपेटियर वेयर्स द पपेट एज ग्लोब, एज अ ग्लोब की तरह पपेट अंदर डाल लेता है वो अपना हाथ, मैनिपुलेटिंग द हेड विद द इंडेक्स फिंगर, अपने हाथ से जो इंडेक्स फिंगर है तुम्हारा उससे अपना हेड को, उसका पपेट का हेड को कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। द टू हैंड्स आर मैनिपुलेटेड यूजिंग द थंब एंड द मिडल फिंगर गिविंग लाइफ एक्सप्रेशन टू द ओरिजिनल लिम्प पपेट, यानी कि लगता है कि जो हैंड का मैनिपुलेशन के वजह से लगता है कि यस ये भी जीवित है पपेट। अब देखते हो ना इंडिया गॉट टैलेंट या सब में आता है, लगता है कि बोल रहा है पपेट, आवाज भी डिफरेंट है, वो ऐसे ऐसे करके बोल रहा होता है उसका डायरेक्ट वो है ना, तो लगता है कि यार यही बोल रहा है, इसकी वजह से क्लैप करता है सब लोग उठ के। ये भी देख आर्ट फॉर्म है ना। द ट्रेडिशन ऑफ ग्लोब पपेट्स इन इंडिया इज पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और केरल रीजन। इन ओडिशा द पपेटियर प्लेज ऑन द ढोलक, देखो अब इसके साथ देखो ढोलक भी है तुम्हारा, विथ वन हैंड एंड मैनिपुलेट्स द पपेट विद द अदर्स, यानी कि एक हाथ में ढोलक बज रहा है एक हाथ से। क्या हुआ अंकित, कोई प्रॉब्लम है तुमको? एक हाथ से ढोलक बज रहा है, एक हाथ से पपेट का मैनिपुलेशन हो रहा है, अब जी उस हिसाब से रिदम से हो रहा है दोनों। उत्तर प्रदेश में देखो ग्लोब पपेट्स प्ले यूजुअली प्रेजेंट सोशल थीम्स, ये सोशल थीम्स है, मान लो कि COVID-19 आया तो उससे रिलेटेड तुम्हारा दे दिया कि COVID-19 में इतना मरे हैं, कोई भी सोशल थीम्स के ऊपर, या फिर जात पात को लेके ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में, तो इसको भी पोर्ट्रे करने के लिए, इस इशू को भी अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है पपेट्स को। उड़ीसा में देखो सच प्लेज आर बेस्ड, वहाँ पर राधा कृष्ण सब्जेक्ट मैटर है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है ग्लोब पपेट्स को लेके। द डिलीवरी ऑफ द डायलॉग्स द मोमेंट ऑफ द पपेट एंड द बीट ऑफ द ढोलक आर वेल सिंक्रोनाइज एंड क्रिएट अ ड्रामेटिक एटमोसफियर, यानी कि ये सभी चीज़ जो आर्ट फॉर्म है, चाहे ढोलक बजाना यानी कि म्यूजिक देना, या आर्ट ऑफ डिलीवरी डायलॉग डिलीवरी, या पपेट का मूवमेंट होना, ये सब सिंक्रोनाइज है और उसी हिसाब से हो रहा होता है, जिस हिसाब से ग्लोब का मूवमेंट हो रहा होता है सब सिंक्रोनाइज है, तब लगता है कि अच्छा ट्रू पिक्चर में लगता है कि सब सिंक्रोनाइज है। जैसे जैसे कोई गाना बजता है तो हम लोग का हरकत डिफरेंट होता है कि नहीं होता है, जब बहुत अच्छा म्यूजिक बज जाए है ना, तो आदमी और ज़्यादा लंबा डांस करना शुरू कर देता है और एनर्जी लेके आता है, तो बिल्कुल उसी रिदम में पपेट को भी होम किया जाता है। देखो इसमें कुछ कुछ देखेंगे हम लोग भारत का, कि जो बहुत फेमस ग्लोब पपेट्री है, तो पावाकुथू तुम्हारा एक केरल रीजन का सबसे फेमस ग्लोब पपेट है, 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ये। द पपेट्री आर डेकोरेटेड विद अ कलरफुल हेड गियर्स, देखो हेड गियर्स भी है इसका सर पे रहेगा, देखो आगे नीचे देखो देखो हेड गियर्स है कि नहीं है, सर पे कुछ कुछ रहेगा समझे, हेड गियर एंड फेस पेंट्स, चेहरा भी पेंट होगा देख लो इसमें है कि नहीं है, देखो वो आर्टिस्ट पकड़े हुए हैं कि नहीं पकड़े हुए हैं, देखो सर कितना बड़ा है, सर के ऊपर कुछ है कि नहीं है, वही हेड गियर्स हैं, विच इज एविडेंस ऑफ हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ कथकली डांस फॉर्म। इसमें देखते हैं कथकली जानते ही हो नीचे का ही है ना, तो बिल्कुल कथकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ये पावाकुथू में। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ चेंदा आर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो लोकल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ के बहुत सारे यूज़ होते हैं इसमें, जैसे चेंदा हो गया, जैसे तुम्हारा इलाथलम हो गया, अनसंखा हो गया, ये सब यूज़ होते हैं। द प्लेस देखो जो नरेशन क्या रामायण महाभारत वही सब्जेक्ट मैटर है, तो वही सब्जेक्ट मैटर के तौर पे ये ग्लोब पपेट्री किया जाता है। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक दूसरे से अंतर है, जैसे थोलपा को तू डिफरेंट फ्रॉम द पवा को थू, अब देखो ये लगता है कि देखने में सेम है बट दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये दोनों में डिफरेंस है। देखो जैसे कि हम बात करें थोल पावाकोथू ये शैडो पपेट है केरल रीजन का, मां पावाकोथू तुम्हारा क्या ग्लोब पपेट है, कि
क्योंकि मैंने उस समय बोला कि थोल, जो थोला जो शब्द, थोला का मतलब शैडो होता है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ये थोला शब्द आया इसका मतलब शैडो है वो। परमानेंट स्टेज इन द टेम्पल कोर्ट यार्ड्स ऑफ द टेम्पल ऑफ द टेम्पल्स द ओनली परमानेंट ट्रेडिशनल पपेट थिएटर इन इंडिया इज अ थ्री साइडेड इनक्लोज स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोथू मैडम एंड द स्क्रीन इज लाइट बाय द ऑयल लैम्प्स मेड फ्रॉम द हाफ कोकोनट। देखो कितना बढ़िया बात कहा है, देखो ये कोई इग्नोर करने वाला पॉइंट नहीं है, इसमें समझना होगा तुमको कि जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि थोल पावाकोथू, थोल पावाकोथू में क्या होता है, देखो स्टेज रहता है जी, पीछे जो बैक स्टेज है उसमें कोकोनट का जो हाफ, जैसे कोकोनट को हम छीलते हैं ना, उसका हाफ में वहाँ पे लाइट लाइट का बंदोबस्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, नीचे देखो, अंदर देखो, देखो जो नीचे वाला वो बैक स्टेज है, देखो आर्टिस्ट लोग कैसे दे रहे हैं और फ्रंट से कैसा दिखता है, वो फर्स्ट वाला फ्रंट स्क्रीन से दिखने वाला है और जो नीचे वाला वो बैक स्टेज में किस क्या हो रहा है। अब इसमें देखोगे जो जहाँ से लाइट जो उमल रहे हैं वो तुम्हारा कोकोनट का हाफ सेल्ड है, यानी कोकोनट का आधा आधा कोकोनट को काट दिए और वहाँ से लाइट वो कर रहे हो और बैक स्टेज लेके जा रहे हो और वहाँ पे पपेटियर है और वो आगे जब क्रिएट हो रहा था शैडो क्रिएट हो रहा है फर्स्ट वाला, देखो तो कैसा लग रहा है फर्स्ट वाला, कितना अद्भुत लग रहा है, समझ गए। तो वही चीज़ ऊपर में बोलने का प्रयास किया गया है, द परमानेंट स्टेज इन द टेम्पल कोर्ट यार्ड ऑफ टेम्पल इज अ थ्री साइडेड इनक्लोज स्ट्रक्चर कॉल्ड कोथू मैडम और स्क्रीन इज लिट बाय द ऑयल लैम्प्स मेड फ्रॉम द हाफ कोकोनट्स, यानी कि टेम्पल प्रीमाइसिस में ये सब चीज़ किया जाता है, बैक स्टेज होते हैं, फ्रंट स्टेज होते हैं, बैक स्टेज में जाके वो कोकोनट का जो भी है तुम्हारा उसको लेके जाया जाता है और उस हिसाब से आर्टिस्ट लोग वहाँ पे पीछे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, समझ गए ना। अब देखो, अब ख़त्म कर दिया हमने ग्लोब पपेट्स, ख़त्म कर दिया हमने शैडो पपेट्स, ख़त्म कर दिया हमने स्ट्रिंग पपेट्स, ख़त्म कर दिया, अब लास्ट रॉड पपेट्स। रॉड पपेट्स क्या होता है, तो रॉड पपेट्स आर लार्जर वेरिएशंस, ये ग्लोब पैटर्न ग्लोब पपेट का बड़ा वेरिएशंस है और ये कंट्रोल कैसे किया जाता है, रॉड से किया जाता है, इसलिए रॉड पपेट्स है ये, बाय रॉड्स बाय द पपेटियर फ्रॉम बिहाइंड अ स्क्रीन, यानी कि पीछे बैठा हुआ है, पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, जो रॉड को यूज करके मैनिपुलेट किया जाएगा, होता है अब रहता है ना जी, तो यहाँ पे रॉड को यूज़ करके कर पपेटियर रॉड को यूज़ करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं रॉड पपेट्स। इट इज़ अ मेनली पॉपुलर इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इसमें हम जाने कठपुतली वो वाला भी जानेंगे ना, पुतुल नाच भी देखेंगे, तो आप देख सकते हैं फिगर कितना बड़ा है और रॉड लगा हुआ है, रॉड से करते हैं। देखो पुतुल नाच इट इज़ द ट्रेडिशनल रॉड पपेट डांस ऑफ बंगाल उड़ीसा आसाम रीजन, बिहार में भी है जी, लिखा नहीं है मैं, बिहार में भी इसका इन्फ्लुएंस है। द फिगर्स आर जनरली 3 to 4 feet हाई, बड़ा होता है और ये बिल्कुल जतरा थिएटर में जो जतरा करने के लिए जाते थे जो कॉस्ट्यूम्स वही कॉस्ट्यूम पहना जाता है। देखो थ्री जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, नेक में होते हैं और सोल्जर्स में होते हैं, यानी कि सोल्जर्स में हो गए और नेक में हो गया, ऐसी का मोमेंट चल रहा है, सोल्जर्स नेक। द टेक्निक ऑफ द मैनिपुलेशन इंटरेस्टिंग एंड हाईली थियोरेटिकल, बोला जो टेक्निक है इसको मैनिपुलेट करने का वो बहुत ही हाईली टेक्निकल है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा था अभी समझ में आ जाएगा तुमको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ के। अ बैम्बू मेड हब इज टाइड फार्मली टू द वेस्ट ऑफ द पपेटियर, देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऑन विच द रॉड होल्डिंग द पपेट इज प्लेस, यानी कि पूरा बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड है, आपका लेग्स है तो आपका लेग्स के साथ रहेगा, आपका हिप है तो आपका हिप के साथ रहेगा, इस तरह देखो यहाँ पे दिखाया गया है, देख रहे हो ना जो बच्चे लोग देख रहे हैं, इसमें आगे देखो, आगे देखो समझ जाओगे आगे। द पपेटियर ईच होल्डिंग वन पपेट स्टैंड बिहाइंड अ हाई हेड हाई कर्टन, जो कर्टन है कि नहीं है कर्टन, वहाँ पे देखो ऊपर जाकर फिगर देखो, ये कर्टन के उस तरफ आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, कर्टन है कि नहीं है, देख रहे हो ना कर्टन साइड में दिख रहा है, साइड में कर्टन, अरे ये देखो यहाँ पे देखो ना कर्टन दिख रहा है साइड में यहाँ पे, बिल्कुल उसके पीछे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। बोला पपेटियर ईच होल्डिंग वन पपेट स्टैंड बिहाइंड अ हाई हेड हाई कटर एंड वाइल मैनिपुलेटिंग द रॉड्स ऑल्सो मूव एंड डांस इम्पार्टिंग करस्पॉन्डिंग मूवमेंट टू द पॉटर, तो वो भी डांस कर रहे हैं म्यूजिक पे, जैसे वो हिला रहे अपने शरीर को उस तरह पपेट भी हिल रहा है, यही है पुतुल डांस, समझे ना। तो ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है पपेटियर का। वाइल द पपेटियर देमसेल्फ सिंग्स एंड डिलीवर द स्टाइलाइज प्रोस डायलॉग्स, वो डायलॉग दे रहा है, डांस कर रहा है, गाना गा रहा है। द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, जो आगे बैठे रहते हैं म्यूजिशियन है, यूजुअली 3 to 4 इन नंबर्स,
सिटिंग एट साइड ऑफ द स्टेज बगल में रहता है, वो म्यूजिक दे रहा होता है, हारमोनियम सिम्बल्स, जानते हो कैम्बल्स मतलब होता है वहाँ आसाम का जो भी है। द म्यूजिक एंड द वर्बल टेक्स्ट हैव क्लोज सिमिलरिटी विद द जत्रा थिएटर, और जत्रा थिएटर से रिलेटेड है तुम्हारा, यानी कि इसमें जो आर्ट फॉर्म देखोगे इसमें बहुत सारा आर्ट फॉर्म को लेकर बैठा होगा, यानी कि जो मेन पपेट पपेट देखने को लगता है, जो पपेटियर वो रियल परफॉर्म कर रहा होता है स्टेज के पीछे, और जैसा परफॉर्म कर रहा होता वैसा होता, और म्यूजिक देने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, और ये म्यूजिक का फ्लेवर या कस्ट्यूम का फ्लेवर पूरा जत्रा ट्रेडिशन से रिलेटेड है। तो यानी कि वही हरे रामा हरे कृष्ण से रिलेटेड होगा सब्जेक्ट मैटर, और कस्ट्यूम भी उसी तरह के होंगे। देखो यहाँ दिखाया जा रहा है तो कैसे पपेटियर बना रहे हैं, इसमें देख सकते हो। अब बात करेंगे यामापुरी का, यामपुरी का जो बिहार का है जी, जानते हो ये ट्रेडिशनल रॉड पपेट है बिहार का। दे आर कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ हुड, एक छोटा सा हुड से बना हुआ है ये, वहाँ से बनाया जाता है, उसको फिर पेंट किया जाता है, फिर ब्राइट कलर्स में उसको ड्रेस किया जाता है, अच्छा कलर रहता है, एकदम कलरफुल कलर रहता है। अनलाइक द ट्रेडिशनल रॉड पपेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, दिस पपेट्स आर इन वन पीस, एक छोटा, जैसे कि उसमें हमने बात किया कि तीन ज्वाइंट था, दो सोल्जर पे था, एक नेक पे था कि नहीं था, अभी कठपुत उस कठपुतली में, सॉरी कठपुतली बोले नाच, पुतुल नाच में, और इसमें क्या कि एक सिंगल गो में है ये। अब सिंगल गो है तो ज़्यादा आपका आर्टिस्टिक वैल्यू इन्वॉल्व है उसमें, सिंपल सी बात है। तो वही कह रहा है कि देखिए जो अभी जस्ट आप पुतुल वो देखे थे, पुतुल डांस देखे थे, उसमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, दिस पपेट्स आर वन पीस, ये वन पीस है, उसमें ज्वाइंट कुछ नहीं है। एज दिस पपेट्स हैव नो ज्वाइंट्स, इसलिए जो मैनिपुलेशन होगा बहुत डिफरेंट होगा, और इसलिए ग्रेटर डेक्सटेरिटी यानी कि ग्रेटर स्किल की आवश्यकता है, ऐसे नहीं होने वाला है ये। आगे देख लो तो ये तुम्हारा वन फ्लो में है, वन गो में है ये, ठीक है। और ये यामापुरी हमारे बिहार का है। तो आज क्लास में यही बताने की कोशिश किया गया है कि पपेट्री कितने फॉर्म में हो सकते हैं, चार फॉर्म में हो सकते हैं पपेट्री। स्ट्रिंग का बात किए हम लोग, उसके बाद हम लोग गए शैडो की तरफ गए, उसके बाद हमने ग्लोब के बारे में बात किया, एंड देन वी कवर द रॉड। और क्या डिफरेंसेस है एक दूसरे से, और कैसे ये दूसरे आर्ट फॉर्म को टच करते हैं, मेन तो इम्पोर्टेंट ये है। देखो फैक्चुअल हटने से फ़ायदा नहीं है, यू हैव टू कंपेयर, और कैसे कनेक्ट, देखो जत्रा से कनेक्ट है कि नहीं है। तो कोई बोलेगा कि जो भक्ति मूवमेंट में है, भक्ति मूवमेंट में पपेट्री का भी रोल है, अब वो कैसे तुम रिलेट करोगे, तो यह ये तरीका होना चाहिए रिलेट करने का, तो होलिस्टिकली पढ़ना होगा जी, दैट्स इट।